जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज मैं डिफेंस या फिर फिटनेस से रिलेटिव टॉपिक से हट के कुछ मैं अपने बारे में बात करूंगा। तो बहुत सारे भाई ये कमेंट करते थे कि सर, आप पुलिस में हो या आर्मी में, तो ये डाउट कैसे हो जाता है। मतलब मैं ये कॉम्बाइंड वर्दी, मतलब जो ये चितकबरा वर्दी पहनता हूँ, तो सभी भाइयों को डाउट होने लगता है कि मैं आर्मी में हूँ। तो मैं आर्मी में है या पुलिस में, मैं डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक तो आज है, मैं अपने बारे में बताऊंगा। तो आखिर मैं हूँ क्या, मैं ये पुलिस में हूँ या फिर आर्मी में हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आर्मी में नहीं हूँ, मैं झारखंड पुलिस में हूँ। झारखंड पुलिस में अभी फ़िलहाल पोस्टेड हूँ। तो जैसा कि मुझे बचपन से ही ये शौक़ था, मेरा सपना था कि मैं डिफेंस ज्वाइनिंग करूँ और देश का और जितना है पब्लिक सेवा करूँ। तो चलिए, मेरा सपना पूरा हुआ। तो मेरा सबसे पहला सपना था मुझे आर्मी में ही, इंडियन आर्मी में ही ज्वाइन करना, लेकिन वो नहीं हो पाया सपना पूरा। लेकिन हाँ, मैंने तीन बार फिजिकल निकाला मैंने इंडियन आर्मी का, मेडिकल भी फिट हुआ, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम में शायद किसी कारणवश, क्योंकि 170 मेरा ना हाइट ना होने के कारण, मैं क्लर्क में दौड़ता था, उसमें कम हाइट चाहिए था, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ तीन बार। लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम, क्योंकि वो इंडिया लेवल में बेसिक में मेरिट बनता है इंडियन आर्मी का, तो उसमें मैं रिटर्न एग्ज़ाम में मतलब सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो चलिए, जितने भी युवा भाई मेरे डिफेंस या आर्मी फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जरूर सक्सेस हों। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग दिल से मेहनत कीजिए, पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आप जरूर सक्सेस होइएगा, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। अगर आप दिल से सिर्फ मेहनत करोगे तो मैं निश्चित बोलता हूँ, एक दिन आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दो। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो फिजिकल की तैयारी कर दो, अगर पुलिस में जाना चाहते हो या अदर डिफेंस में जाना चाहते हो तो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर दो, क्योंकि अभी तो रिटर्न एग्ज़ाम पे ही मेरिट बनाया जाता है। तो अगर आर्मी, जैसे कि आर्मी में आप जाना चाहते हैं, तो उसमें तो क्या होता है, उसमें फिजिकल ही टफ होता है, जानते ही हैं, 1600 मीटर का रनिंग लगाना होता है, उसमें फिजिकल काफ़ी टफ होता है। और हाँ, अब अभी जो है फिलहाल पुलिस या फिर जैसे कि SSC GD CR जितने हैं पोस्टेड है, मतलब SSC में CRPF CICF BSF ये सब जितने प्रोसेस है, उसमें पहले रिटर्न एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल होता है। तो अभी तक अमूमन यही कह सकते हैं कि मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें जो जो भाई डिफेंस फोर्स में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने 18 साल की उम्र में ही आर्मी, मतलब जो फिजिकल है, क्वालिफाई कर लिया। तो जानते ही हैं, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो काफ़ी कम उम्र में किसी भी जॉब के लिए, तो बहुत सारा हल्ला हो जाता है गांव घर में कि उसका जॉब हो गया। और इस बीच अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हो, ज्वाइनिंग नहीं होता है, तो काफ़ी बुरा लगता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा। इंडियन आर्मी मैंने 3 बार फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम, क्योंकि क्लर्क वाला जानते हैं, बताया मैंने कि इंडिया लेवल में मेरिट बनता है, तो उसमें शायद इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है, इंग्लिश में कमज़ोर था, तो इसी कारण बस मैं रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जो जो भाई अभी भी तैयारी कर रहे हैं आर्मी के और क्लर्क में जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश मजबूत कीजिए, इंग्लिश थोड़ा टफ होता है, तो इंग्लिश का तैयारी कीजिए। आर्मी जो क्लर्क में जाना चाहते हैं, GD के लिए साधारण क्वेश्चन ही रहता है, उतना टफ नहीं रहता जितना क्लर्क में रहता है। चलिए, अब आर्मी के बाद आते हैं। जो जो भाई मेरे झारखंड पुलिस मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द इसका वैकेंसी आने वाला है। तो अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दो रिटर्न एग्ज़ाम का, क्योंकि पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट होगा। तो लंबा प्रोसेस रहता है, लेकिन मेरिट जो आपका बनेगा लास्ट में, अंततः मतलब सबसे लास्ट में मेरिट बनाया जाता है, तो उसमें रिटर्न एग्ज़ाम बेसिक पे ही आपका मेरिट बनाया जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी में ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कि मैं किस तरह से रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊँ ज़्यादा मार्क के, कि ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाई कर जाओ और लास्ट में मेरिट में छट जाओ, उससे काफ़ी तकलीफ बुरा लगता है। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी कीजिए इतना कि आप मतलब फाइनल सिलेक्शन में हो जाओ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए, जिन जिन भाइयों का ये डाउट था कि मैं आर्मी में हूँ या फिर पुलिस में, तो ये तो डाउट क्लियर हो चुका था अभी तक। तो हाँ, और अगर आप डिफेंस या फिटनेस से रिलेटिव कोई भी जानकारी जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।